जबलपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मालवीय चौक पर भारतीय जनता पार्टी का पुतला फूंका। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। गौरतलब है कि जबलपुर में गुरुवार को बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस कार्यालय में जमकर तोड़फोड़ की थी। उसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रशासन को एक सप्ताह का अल्टीमेटम दिया था। हालांकि मामले में कुछ आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में लिया है, लेकिन कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने मालवीय चौक पर एकत्रित होकर जमकर नारेबाजी की। जबलपुर महापौर जगत बहादुर अन्नू के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मालवीय चौक पहुंचे और पुतला फूंका, नारेबाजी की। साथ ही प्रशासन पर भी मिलीभगत के आरोप लगाए हैं। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के कार्यालय में तोड़फोड़ की, गुंडागर्दी की, जिसके चलते पूरा कांग्रेस परिवार मध्य प्रदेश में आक्रोशित है। आज जबलपुर में 13 ब्लॉक अध्यक्षों के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी शिवराज सिंह चौहान जी का पुतला जलाया गया है। कल आक्रोश में 79 वार्डों में पार्षद प्रत्याशियों के नेतृत्व में पुतला जलाया जाएगा भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मुख्यमंत्री का। आज लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति इतनी खराब हो गई है कि सूचना होने के बाद भी अगर एक पुतला जलता है तो 50 पुलिस वाले आते हैं, परंतु कांग्रेस के कार्यालय को तोड़ने देने के लिए ऐसा लगता है जैसे पुलिस प्रशासन ने सरकार सत्ता और शिवराज सिंह चौहान जी के निर्देशों पर खुली छूट दे के रखी थी कि जाइए और कांग्रेस के कार्यालय को तोड़ कर आइए। एक भी पुलिस की टीम वहां पर थी नहीं, 2 TI की जवाबदारी लाडगंज और कोतवाली की लगाई गई थी। एडिशनल SP और पुलिस विभाग ने स्वीकारा कि हमारी चूक हुई है, पर हम इसको चूक नहीं मानते। ये सुनियोजित षड्यंत्र है जो किया गया कांग्रेस के कार्यालय को तोड़ने के लिए, बजरंग दल का इस्तेमाल करने के लिए। कल 79 पुतले जलेंगे। परसों हमारे मध्य प्रदेश के प्रभारी JP अग्रवाल साहब, माननीय विवेक तनखा जी राज्यसभा सांसद, मध्य प्रदेश के अन्य बड़े नेता शामिल होंगे। 10,000 की संख्या में एक बहुत बड़ा आक्रोश में मौन पदयात्रा जुलूस निकाला जाएगा। जबलपुर से आशीष बात्रे की रिपोर्ट।